नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। ऐसे ऐसे सड़क हादसे देखने को सुनने को मिल रहे हैं जो बहुत ही दिल दहला देने वाले और भयावह हैं। खास तौर से इस समय सड़क पर चलना जान जोखिम भरा दिख रहा है। कल रात्रि मंगलवार की रात्रि को बलिया के बेलथरा रोड में कृषि मंडी के समीप एक ऐसा ही हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। आप देखें यह सीसीटीवी फुटेज। आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, एक बाइक जो है सामने से आती हुई नजर आ रही है। तभी अचानक बाइक वाले अपने बाएं साइड जो है बाइक को तेजी से मोड़ते हैं, लेकिन सामने से उसी बीच एक ट्रेलर उन्हें जो है जोरदार टक्कर मार देता है और बाइक सवार रोड पे बिखर जाते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। टैंकर के टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। मृतक मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के गोठाबारी गांव का निवासी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। बेलथरा नगर के मधुबन मार्ग कृषि मंडी के समीप मंगलवार की देर रात एक टैंकर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना देकर सभी घायलों को सीएससी सीयर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो अन्य की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद टैंकर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के गोठाबारी गाँव निवासी पवन 20 वर्ष, पुत्र राजेश, कृष्णा 25 वर्ष, पुत्र कवल देव और उभाव थाना क्षेत्र के अवाया निवासी अर्जुन 19 वर्ष रात में एक ही बाइक पर सवार होकर मऊ की तरफ जा रहे थे। मंगलवार की देर रात में 12:15 बजे जब वे मधुबन मार्ग स्थित कृषि मंडी से गुजर रहे थे कि सामने से आ रही एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही तीनों युवक बाइक सहित जमीन पर गिर पड़े, जिससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। आप वीडियो में स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कैसे टैंकर से टक्कर लगने के बाद बाइक रोड पर छिटक कर गिर जाती है। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को सीएससी सीयर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। वहीं चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद पवन व अर्जुन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार पवन की भी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटना की सूचना मृतक के परिवार को देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बेलथरा और बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।